भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र में सुबास्ती रहा बाईपास पर मामूली झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी। आपको बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस संचालक को लेकर हुई विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। इस घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि एक बार फिर से देहात थाना क्षेत्र के सुबास्ती रहा पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी, जिसमें एक युवक के घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हो गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। गोली चलाई और कुलदीप और मटरू रहने वाले मटरू कुलदीप मतलब सनोप मटरू ने कुलदीप ने कुलदीप और दो हथियार थे। दो हथियार थे पहले से एक ही था, मतलब दुकान से बगल से कहीं गए थे वो लोग, मंजन किसी को बुलाने गए, वो हथियार लेकर आएगा। अच्छा पुराना कुछ नहीं था, पेट्रोल पैसे आ रहे थे, हम शाम जा रहे थे वैसे घिर लाए आपस में, केवल निकलने रास्ते पे निकलने के लिए थे। हाँ। आप सामने आ गए इसलिए? हम सामने नहीं, हम अपनी साइड से आ रहे थे, शाम से। क्या नाम है आपका? और मधुसूदन का भाई था एक छोटा ईलू। गोली किसकी लगी है? भाई रानू यादव भाई है आपके? हाँ भाई। आप एक ही बाइक पे थे सब लोग? नहीं, हम दोनों लोग थे और ये पीछे आ रहा था, मतलब खाने जा रहा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? अवनीश यादव। लोग थे और दो हथियार थे। दो हथियार थे, कितनी गोलियां चलाई? गोली दो तीन चलाई। अच्छा, तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग बाजार ही आ रहे थे। और वो लोग किस साइड से? किस साइड? वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल ड्रा के आ रहे थे। तो क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं हुआ। किस बात को लेकर? बाइक लगा खड़े थे, गाली देने लगे। कौन कौन से? केवल रंगदारी के लिए? रंगदारी किस बात की? नहीं, कोई बात नहीं, केवल गुंडागर्दी दिखाने के लिए। कोई पुरानी रंजिश? कोई नहीं पुरानी। वो आपके पड़ोसी मोहल्ले के या किस? वो पड़ोसी मोहल्ले में बाजार गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नीरज। गाय से बोली चलाई थी? अलिया दी करता।